समस्या का निवारण ही उसे दूर रहने का तरीका है। चलिए इस कहानी को हम बता रहे हैं इस बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन वीडियो के माध्यम से। एक बार अध्यापक कक्षा में बच्चों को पढ़ा रहे थे। उन्होंने एक ग्लास अपने हाथ में उठाया और बच्चों की ओर देखते हुए पूछा कि इस ग्लास का वजन कितना होगा। बच्चों ने विभिन्न उत्तर दिए। किसी ने कहा 50 ग्राम, किसी ने 100 ग्राम, किसी ने 150 ग्राम बोल दिए। टीचर ने हंसकर कहा कि इसका सही वजन मुझे भी नहीं पता, परंतु अगर मैं इस ग्लास को 10 मिनट तक ऐसे ही हाथ में उठाया रखूं, तो क्या होगा? पीछे से किसी बच्चे की आवाज़ आई, सर कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं इस ग्लास को 1 घंटे तक ऐसे ही उठा के रखूँ तो क्या होगा? टीचर ने फिर से वैसे ही पूछा। बच्चों ने कहा कि श्रीमान आपके हाथ में दर्द होने लगेगा। अच्छा, अगर मैं इसे ऐसे ही 1 दिन तक उठाए रखूं तो क्या होगा? फिर से टीचर ने पूछा। बच्चों ने कहा कि श्रीमान आपका हाथ जर्ज हो जाएगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। यह कहते हुए पूरी क्लास हंसने लगी। तब अध्यापक ने मुस्कुराते हुए बताया कि जीवन में आने वाली अनेकों समस्याएं भी इसी ग्लास की तरह हैं, जिनका वजन तो उतना ही रहता है, लेकिन अगर ज़्यादा समय तक उनका निवारण ना किया जाए तो वह बहुत बड़ी परेशानी बनाकर सामने आती है। अगर तुम समस्या को तुरंत हल नहीं करोगे तो बाद में पछताना पड़ेगा। मतलब समस्या का निवारण ही उससे दूर रहने का तरीका है, और कुछ भी